हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आज 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है, जिसमें सुपर मैग्नेट स्कूल प्रतापनगर हमीरपुर की छात्रा ज्योति धीमान ने मेरिट लिस्ट में साइंस संकाय में 8वां स्थान हासिल कर स्कूल जिला अध्यापकों व अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। ज्योति भविष्य में IAS बनना चाहती हैं और देश की सेवा करना चाहती हैं। स्कूल के प्रधानाचार्य बाटिका सूद ने ज्योति के हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड प्लस टू में मेरिट लिस्ट में 8वां स्थान प्राप्त करने के लिए खुशी जाहिर की है और स्कूल की और बच्चों से भी भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करने को कहा। उन्होंने इस दौरान स्कूल के सभी अध्यापकों और ज्योति के माता पिता को ज्योति के द्वारा इस मुकाम को हासिल करने पर बधाई दी। बहुत ही खुशी की बात है, हमें भी आज मॉर्निंग में जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई HP बोर्ड की, तो वहाँ से जैसे ही लिस्ट पता चली तो हमें बहुत खुशी हुई ये देख के कि हमारी बेटी ने जो है वो 8th रैंक पे हमारी स्कूल की बेटी है। तो सबसे पहले तो मैं स्कूल की पूरी मैनेजमेंट, अपने टीचर सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। आपके माध्यम से मैं लोगों तक भी ये मैसेज देना चाहूँगी कि जो आने वाले प्लस टू के स्टूडेंट्स हैं वो इस लड़की का जो है, इस लड़की को एक मतलब एक ये मान के कि इस लड़की ने बोर्ड की मेरिट में अहम स्थान प्राप्त किया है, तो वो लोग भी ऐसे ही तैयारी करें। और सेकेंडली मैं इसके पेरेंट्स को जो है वो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि इन्होंने जो बच्ची को बहुत ही बढ़िया तैयार करवाया और स्कूल की पूरी टीम में भी बहुत बढ़िया जो है वो प्रदर्शन किया। इवन ऑड आवर्स में भी जो है बच्ची के सारे डाउट्स क्लियर किए हैं हमारे टीचर्स ने और बहुत बढ़िया रहा। और थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। मेरिट में 8वां स्थान हासिल करने वाली ज्योति धीमान ने बताया कि वे हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में 8वां स्थान आने पर बहुत खुश हैं और इसका श्रेय अपने अध्यापकों, माता पिता और भाई को देना चाहती हैं। ज्योति ने बताया कि भविष्य में IAS ऑफिसर बनना चाहती हैं और देश की सेवा करना चाहती हैं। मेरा नाम ज्योति धीमान है और मैं सुपर मैग्नेट पब्लिक स्कूल प्रतापनगर हमीरपुर की छात्रा हूँ। और आज जब प्लस टू क्लास का रिजल्ट आया तब मुझे पता चला स्कूल से कि मेरी 8th मेरिट आई है हिमाचल प्रदेश में, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई और मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई इस बात को सुन के। और मैं ये सारा क्रेडिट अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी। स्पेशल क्रेडिट मैं अपना चेयरपर्सन सुपर मैग्नेट स्कूल वाटिका मैम को देना चाहूँगी और शगुन सर को भी, जिन्होंने मेरी पूरी जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प की और पूरी जर्नी में मुझे सपोर्ट किया। और पूरी टीम को मैं सुपर मैग्नेट की बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहूँगी। और मेरे पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा थैंक्स और मेरे भाई को, जिसने मुझे पूरे जर्नी में सपोर्ट किया और जब भी डीमोटिवेटेड होती थी तो हमेशा मोटिवेट किया। और मैं यही चाहूँगी कि जितने भी नेक्स्ट 12th एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे बच्चे हैं वो सब भी आगे तैयारी करें और इस तरह का कुछ मुकाम हासिल करें। और मैं मीडिया को भी काफ़ी ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहूँगी जो मुझे ये प्लेटफॉर्म उन्होंने दिया और इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं अपने व्यूज़ सभी स्टूडेंट्स तक पहुँचाया था। थैंक यू सो मच। मैं हिमाचल के IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। किस तरह की तैयारी करें उसके लिए आप? उसके लिए तो पहले मैं इंजीनियरिंग करूँगी, उसके बाद मैं IAS की प्रिपरेशन करूँगी, क्योंकि जब मैं IAS ऑफिसर्स को देखती हूँ वो इतना सारा काम करते हैं हम सब के लिए और वो देश में कुछ भी चेंज लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो मैं भी उसी तरह देश में कुछ चेंज लाने के लिए मेहनत करती हूँ। ज्योति के पिता ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि बेटी ने मेरिट में नाम दर्ज करवा लिया है। उन्होंने कहा कि IAS बनने के लिए सेल्फ स्टडी की जरूरत होती है और वे चाहते हैं कि बेटी आगे भी तरक्की करे। बहुत खुशी का मौका है, मैं इसके लिए ज्योति के जो टीचर्स हैं और सुपर मैग्नेट की जो पूरी टीम है उसको बधाई देना चाहता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि इन लोगों ने बहुत काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया जिससे आज रिजल्ट जो है वो आपके सामने। तो बेटी कहना कि IAS बनना है तो किस तरह की तैयारी करवा रहे हैं आप, उसको कहाँ कोचिंग देंगे और इंजीनियरिंग करने का? एक्चुअली इसमें ये है कि जो सेल्फ स्टडी बच्चा करता है बहुत डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर कि वो दिन में कितने घंटे पढ़ता है, क्योंकि IAS बनने के लिए आपको सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। बेशक आप किसी इंस्टीट्यूट से कोचिंग लेते हो लेकिन जितना आप 10 से 15 घंटे रोज़ अपनी स्टडीज़ के ऊपर या पूरा एनवायरनमेंट या पूरा वर्ल्ड के ऊपर अगर जिस तरह से आप नॉलेज गेन करते हो उसी के बेसिस पे आप आगे जा सकते हो।